नागपुर की ऑरेंज बर्फी खाने के लिए आपको नागपुर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में ही कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑरेंज के सीजन में इस बर्फी को एक बार बनाना तो बनता ही है। और इस बर्फी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है और बहुत लाजवाब लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आइए इस लाजवाब सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो संतरे लिए हैं, और इन संतरों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद में अब हम इन्हें पील करेंगे। और संतरों के छिलकों से ही हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं, क्योंकि संतरे के छिलके में ही सबसे ज्यादा तेज खुशबू होती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम इस रेसिपी को बनाने के लिए संतरे के छिलकों का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध लिया है, और इसको फाड़ने के लिए मैंने इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये दूध फट गया है। और अगर आप चाहें तो नींबू की जगह व्हाइट विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस दूध को पकने देते हैं, और यहाँ पर मैंने जो संतरे के छिलके लिए थे उन्हें हम बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम संतरे के छिलकों को कट कर लेंगे, ये देखिए। और जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी अब थोड़ा खुश्क हो गया है, और इसके पानी को बिल्कुल हमें सुखा देना है। तो अब जो संतरे के छिलके हमने बारीक बारीक कट किए थे उनको हम ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। तो इन छिलकों को ग्राइंड करने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, और यहाँ पर मैंने इन छिलकों को बारीक बारीक इसलिए कट किया है क्योंकि हमें इनका पेस्ट नहीं चाहिए बल्कि इनको दरदरा ग्राइंड करना है। तो पल्स मोड पर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, और इन छिलकों को ग्राइंड करते वक्त ग्राइंडिंग जार में हमें कुछ भी नहीं डालना है। इन छिलकों को डालने के बाद में पल्स मोड पर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे ताकि इनका एक बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखें, इसका एक दरदरा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। इस तरीके से इसका पाउडर हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने संतरे के छिलकों को जो दरदरा ग्राइंड किया है वो इसलिए किया है, ऐसा करने से जो बर्फी होती है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, और बर्फी बहुत ज़्यादा दानेदार बनती है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इस ऑरेंज बर्फी के फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसे कि गैस पर रख दिया है, और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं देसी घी। तो 1 टेबल स्पून देसी घी हम इसमें ऐड करेंगे, और इस घी को मेल्ट होने देंगे। तो देसी घी से जो इस मिठाई का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोनापन मिठाई में आ जाता है। और अभी जो संतरे के छिलके हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे इनको डाल देंगे, और इस घी में डालने के बाद में भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो इन छिलकों को रोस्ट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक साइड में रख देंगे। तो अब दूध का जो पानी है उसे हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे, और ये देखिए ये खोया हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इस खोए को हम इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं, ऐसा करने से जो बर्फी है हमारी वो बहुत ज़्यादा दानेदार बनती है, और बारीक दाना बर्फी में बनता है जो बहुत अच्छा लगता है, और बर्फी बिखरती नहीं है। और ये जो खोया हमने ग्राइंड किया था इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, और साथ में इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो हरी इलायची का पाउडर डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने संतरे के छिलके रोस्ट करके तैयार किए थे उन्हें, और इन सब को अच्छे से डालने के बाद में मिक्स कर लेंगे। तो इनको मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑरेंज बर्फी है तो इसका कलर ऑरेंज जैसा होना ही चाहिए।
आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर डालेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी डालने से। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ, तो उसकी कुछ ड्रॉप्स इसमें हम ऐड कर देंगे। तो फूड कलर डालने के बाद में आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा हो गया है, और इसको धीरे धीरे हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर, और उसको डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा तेज खाना पसंद करते हैं तो हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा और शुगर डाल सकते हैं। और अब शुगर डालने के बाद में हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि ये जो बर्फी का मिक्सचर है ये कढ़ाई से अलग होने लगे। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितना सिंपल सा प्रोसेस है इस बर्फी को बनाने का। इसके लिए हमें कोई चाशनी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक केक टिन ले लेंगे, आप चाहें तो कोई थाली भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर तो इस ट्रे को मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है, और उसके ऊपर बटर पेपर भी रख दिया है। ऐसा करने से जो बर्फी है हमारी इजीली रिमूव हो जाएगी। और बर्फी के इस मिक्सचर को डालकर अब अच्छी तरह से हम सेट कर देंगे। और अब इस स्पैचुला की हेल्प से हम इस बर्फी को इवनली स्प्रेड करेंगे और स्मूथ करेंगे। और अब इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी ये बर्फी कैसे बनकर तैयार हुई है। और इस बर्फी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इस बर्फी को मैं रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए, और फिर आपको उसके बाद दिखाऊंगी कि बर्फी हमारी कैसे बनकर तैयार हुई है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बर्फी तो हमारी एकदम सेट हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से हम इसे बर्फी को निकाल लेंगे। तो ऐसा करने से ये बर्फी बहुत आसानी के साथ निकल भी जाती है। तो ये लीजिए, हमारी लाजवाब सी बर्फी एकदम सेट हो चुकी है, और अब हम इसे गार्निश करेंगे। और फिर उसके बाद मैं इस बर्फी को आपको कट करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर इस बर्फी को चांदी के वर्क से गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि चांदी का वर्क इस पर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उसी तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चांदी के वर्क लगा दिए हैं। अब इस बर्फी को मैं आपको कट कर दिखाऊंगी। और इस बर्फी का मैं आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा दानेदार ये बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये कट भी रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार ये बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा दानेदार ये बनकर तैयार हुई है। तो एक बार तो इस बर्फी को ट्राई करना बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।